गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आप सब घर पे सभी ठीक होंगे? अभी स्कूल का तो मेरे ख्याल से अभी लगेंगे कुछ दिन, और आप सब स्वस्थ रहें। मैं जसवीर सिंह, बायोलॉजी लेक्चरर। अपना जो टॉपिक चल रहा था रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, 12th क्लास का फर्स्ट जो लेसन है उसके अंदर जो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यदि मैं सेक्सुअल तो इसके पीछे के चैप्टर में हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द फॉर्मेशन ऑफ द मेल एंड फीमेल गैमेट आइदर बाय द सेम इंडिविजुअल और बाय द डिफरेंट इंडिविजुअल ऑफ द अपोजिट सेक्स। या तो क्या हो कि इसमें क्या होगा कि जो गैमेट फॉर्मेशन होगा, यानी जो मेल गैमेट है, या क्या होगा फीमेल गैमेट, ये क्या हो, या तो ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, यदि अपने मेल और फीमेल की बारे में बात करें तो ये क्या है फीमेल से जो क्या है मेल गैमेट है और फीमेल से क्या है फीमेल गैमेट है, तो ऑर्गेनिज्म क्या डिफरेंट है। पर यदि ये क्या है कि मान लो सेम इंडिविजुअल जिसके अंदर अर्थवर्म की यदि बात करें, टेपवर्म की बात करें, तो जिसमें क्या सेम इंडिविजुअल और वो एक सिंगल इंडिविजुअल क्या करता है दो तरह के क्या करता है वो गैमेट को प्रोड्यूस करता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो बात आती है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गिव राइज द डाइवर्सिटी अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसके कारण क्या करती है ना वेरिएशन आती है पीढ़ी के अंदर नेक्स्ट। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो हेल्प इंट्रोड्यूस द वेरिएशन इन द ऑफस्प्रिंग थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ द डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। उनमें क्या होता है कि मान लो ये जो मेल गैमेट से ये जो गैमेट्स है इसमें डीएनए अलग है, और ये जो फीमेल गैमेट जो सेम स्पीसीज के अदर ऑर्गेनिजम से है इसके अंदर डीएनए क्या है वो डिफरेंट है, तो दोनों का फ्यूजन होगा, यानी ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या करेगी अपने मदर से वो क्या करेगी डिफरेंट होगी, यानी वो अपने जनक से पेरेंट से वो क्या करेगी भिन्न होगी। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस तरह की, यदि मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर यहाँ पर इस बात को बांटूँ कि ये इसके कारण जो ऑफस्प्रिंग बनेगी उसमें क्या है वेरिएशन आएगी, वो वेरिएशन आल्सो लीड टू द इवोल्यूशन टू बेटर ऑर्गेनिज्म एंड प्रोवाइड द बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। वो क्या करते हैं कि उसको इवोल्यूशन में मदद करेगी, जैसे हम इवोल्यूशन में जीव विकास के अंदर बात करते हैं, उसमें बात करते हैं किस तरह से उनमें जीव में म्यूटेशन होगा और होगा इसी प्रकार उसे नए ऑर्गेनिज्म या जीव का उसमें क्या करेगा विकास। दूसरी यदि मैं यहाँ पर बात करूँ तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ तीन पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। फर्स्ट जो इसका पार्ट है वो ज्वेलाइन इवेंट्स बोलते हैं या ज्वेलाइन फेज भी बोलते हैं, दूसरा रिप्रोडक्टिव फेज भी इसको बोला जाता है, और तीसरी जो यहाँ पर जो बात आती है उसको अपने सेंसेंट फेज भी इसको बोलते हैं, जैसे इवेंट्स फेज को बोला जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पर जो बात आती है ए जो तीन भागों में सेक्सुअल यानी जन्म से लेके उस जब तक वो जीव क्या रिप्रोडक्शन उसमें किसी भी प्रकार के जैसे प्लांट है तो उसमें फ्लावर डेवलप ना हो या एनिमल में तो जिसमें सेक्स ऑर्गन डेवलप ना हो, उसे पहले पहले की जो स्टेज है वो क्या कहलाएगी ज्वेलाइन एज या इवेंट्स कहलाते हैं। नेक्स्ट जो बात आती है वो जो बात आती है वो आती है रिप्रोडक्टिव फेज द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म द रिप्रोड्यूस द सेक्सुअल उनमें क्या सेक्सुअल ऑर्गन मैच्योर हो जाते हैं इस फेज के अंदर,
और इस फेज के अंदर क्या करते हैं, यदि हम प्लांट्स में देखें तो कुछ प्लांट्स में जैसे सीजनेबल होता है, तो सीजन आता है तभी वो फ्लावरिंग करते हैं। प्लांट्स के अंदर जो सेक्सुअल जो स्ट्रक्चर है वो उसका फ्लावर है, और एनिमल्स के अंदर वो क्या सेक्स ऑर्गन है जिसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन जिनके बारे में हमने टेस्टिस ओवरी जो बात करने वो होता है। और यदि मैं फ्लावर की बात करूँ तो फ्लावर के अंदर उसके अंदर जो जो एंथर है वो उसका मेल पार्ट है, और जो उसका कार्पल या पिस्टल है वो उसका क्या फीमेल पार्ट है। तो इस तरह से मैं यदि बात करूँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो जो फ्लावर है वो क्या है, प्लांट्स के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फॉर्म। अब यहाँ पर यदि मैं बात करूँ कि फ्लावर सीजनेबल भी होता है, जब सीजन आता है तभी वो फ्लावरिंग करते हैं। कुछ प्लांट ईयरली भी होते हैं, प्लांट्स को बोया और जितना उसका लाइफ हमारा वो ईयरली। एनुअल या बाइनियल प्लांट, कुछ प्लांट है वो बाइनियल प्लांट्स भी होते हैं, वार्षिक प्लांट भी उनको बोलते हैं। तो यदि मैं देखूँ तो उनका कई प्लांट्स ऐसे है कि उनका जो बाइनियल प्लांट है उसमें उसका जो फर्स्ट लाइफ स्पान है उसकी वेजिटेटिव फेज होती है, और सेकंड जो उसकी फोर्थ फेज होती है वो उसकी रिप्रोडक्टिव फेज होती है। थर्ड यदि मैं बात करूँ पेरिनियल, यही पेरिनियल प्लांट्स है जैसे आम सपोरा केला वगैरह, इनको अपने केला नहीं नाना नहीं, ये अपने आम है अमरूद है जो बड़े जो ट्री है इनमें क्या है कि एक बार यदि इनको अपने वो मिमिक ग्रो करते हैं वो करते हैं, जब जब उनकी रिप्रोडक्टिव फेज आएगी तो साल दर साल अपने को काफ़ी सालों तक मतलब अपने को क्या है ये फल देते रहते हैं, ये फ्रूट अपने को प्रोवाइड कराते हैं, ये वार्षिक वृक्ष होते हैं, ये इनकी बहुत लंबी आयु होती है, इसलिए पेरेंट। एक यदि मैं बात करूँ फ्लावर के बारे में बात करूँ तो क्या होता है कि एक बम्बू प्लांट है, जो बांस जो प्लांट है, बम्बू स्पीसीज फ्लावर ओनली वंस इन देयर द लाइफ, अपने जीवन के अंदर ये एक ही बार क्या करता है फ्लावरिंग करता है आफ्टर 50 to 100 ईयर। तो अपने जो लाइफ स्पान है उसके अंदर 50 to 100 ईयर के अंदर ये जीवन में एक ही बार क्या करता है, ये फ्लावर को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ये क्या करता है डेड। एक और है स्ट्रोबिलिस कुंथियाना फ्लावर, वंस इन ए 12 ईयर, क्यों 12 ईयर के अंदर एक ही बार ये क्या करता है फ्लावरिंग। तो यह जो है ये जो केरला है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, जो हिल रीजन है उसके अंदर ये सितंबर अक्टूबर 2006 के अंदर फ्लावरिंग हुई थी, और उसके बाद की जो 12 ईयर आफ्टर जो फ्लावरिंग इसके अंदर होती है वो सितंबर अक्टूबर 2018 के अंदर। और अब जो नेक्स्ट जो इसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो 12 ईयर के आफ्टर, तो वो करीब करीब 2030 के अंदर। नेक्स्ट यदि बात करें अपने तो एनिमल्स के अंदर बात करें तो एनिमल्स को हम नॉन प्राइमेट और प्राइमेट टू पार्ट्स में उसको डिवाइड करते हैं। नॉन प्राइमेट में जैसे काऊ है, सिप है, रेट है, डियर, डॉग, टाइगर, ये इनमें क्या होता है कि हीट एक पीरियड होता है जिसके अंदर एस्ट्रल साइकिल क्या करता है हर्ट होता है। बट प्राइमेट्स मेमल्स के अंदर देखें तो मंकी एप है ना, ह्यूमन्स के अंदर है इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या करता है हर्ट होता है। यदि मैं ओस्ट्रस साइकिल और यदि मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात करूं तो यदि मैं ओस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात करूं तो ओस्ट्रस साइकिल के अंदर क्या करता है, ओस्ट्रस साइकिल के अंदर इनमें क्या होता है कि जो एनिमल्स होते हैं गाय है, काऊ है, बुफेलो है, इनके अंदर ओस्ट्रस साइकिल और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये जो कोरियोनिक प्लेसेंटल जो एनिमल है उनके अंदर किसी प्रकार इनमें क्या करता है कि इन जंतुओं के अंदर जो एंडोमेट्रियम है ये एंडोमेट्रियम क्या करती है रीऑब्जर्व हो जाती है, यानी जब इनका जो यूट्रस है उस यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम वॉल जो वो क्या करती है रीऑब्जर्व होता है। तो इसमें है ना ब्लीडिंग, इनके अंदर ब्लीडिंग किसी प्रकार की नहीं होती। जबकि यदि यदि अपने देखा जाए तो जो जो मेमेलियन है ह्यूमन की यदि मैं बात करूँ तो ह्यूमन के अंदर ये जो एंडोमेट्रियम है, ये जो एंडोमेट्रियम है ये मेंस्ट्रुअल साइकिल के द्वारा ये ठीक है ये है ना
ये टूट कर ब्रेक होकर के बॉडी से बाहर निकल के तो इसमें ब्लीडिंग साइकिल इसके अंदर पार्ट होता है। और यदि मैं बात करूँ तो इनमें जो ये जो काउ और बुफेलो इसके अंदर जो ओशन साइकिल होता है उसमें भी एक 12 से 18 घंटे का समय होता है। यदि इसके अंदर यदि मेटिंग हो जाती है, यदि उसमें मेटिंग हो जाती है सर्ग में हो जाता है तो उसको हिट पीरियड भी बोला जाता है। यदि नहीं होती तो फिर वो जो मेटिंग का जो पेट है वो आगे बढ़ता है। और इनमें साल दर साल जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जनपुर में चलता है और इनमें साल 28 दिन का मेंस्ट्रुअल साइकिल इसके अंदर पाया जाता है। और इनमें ये नॉन ब्लीडिंग फेज और इसके अंदर ये ब्लीडिंग फेज इसके अंदर पाया जाता है। और एक जो इनके अंदर अपने जो ओस्टर साइकिल है और ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका एग्जांपल आप से इसमें जो काउ है वो बेल है और मेंस्ट्रुअल साइकिल में एम है ह्यूमन है इसी को कहते हैं। नेक्स्ट यदि मैं बात करूँ यहाँ पर तो एक होता है सीजनल ब्रीडर जो सीजन में क्या करते हैं ब्रीडिंग करते हैं और एक ऐसे ब्रीडर होते हैं जो क्या करते हैं कि वो मतलब कंटिन्यूसली ब्रीड करते हैं वो जैसे समय आता रहता है वैसे वो ब्रीडिंग करते रहते हैं। इन द प्लांट एंड एनिमल हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांजिशन बिटवीन द ज्वेलाइन रिप्रोडक्टिव एंड सनसेट फेज। अब चाहे प्लांट्स में हो मैंने बात की जैसे प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज के अंदर मैंने प्लांट्स में बात प्लांट्स के अंदर मैंने बात की चाहे मैंने यहाँ पर एनिमल्स के अंदर बात की जो रिप्रोडक्टिव फेज है वो किस पर डिपेंड रहती है वो हार्मोन पर डिपेंड रहती है। किस पर रहती है हार्मोन पर डिपेंड रहती है। जितनी भी इनकी ट्रांजिशन पीरियड है यदि मैं बात करूँ ये ट्रांजिशन पीरियड जो है ना रिप्रोडक्टिव ये बीच का ट्रांजिशन है या ये जितना भी फेज है चाहे रिप्रोडक्टिव फेज है और है वो सारा किस पर हार्मोन पर उस पर डिपेंड करती है। और जो बात है वो उसमें मतलब इसी के अकॉर्डिंग मतलब प्रोसेस चलती है। यानी एक तो हार्मोन इस पर मुख्य रूप से क्या करता है डिपेंड करता है दूसरा यह एनवायरनमेंट भी इसके अंदर फैक्टर डालता है। और जो यदि मैं अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है तो इक्वेटर लाइन के आसपास उनमें जो ब्रीडिंग की है वो संख्या ज़्यादा होती है बजाय नॉर्थ और साउथ पोल के लेकिन तो वहाँ पर पॉपुलेशन ये फैक्टर भी इसमें जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम तीन पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन फेज और फर्टिलाइजेशन फेज जिसको सिनगेमी कहते हैं और इसके बाद में पोस्ट फर्टिलाइजेशन फेज। ये जो अपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जो अपने इवेंट्स हैं उन इवेंट्स के बारे में अपने चर्चा करेंगे। ओके okay.